गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टीए के इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और जैसा कि हम लोग अभी हाउस, अच्छा हाउस का प्लान कैसे करें, इसकी सीरीज चल रही है, तो इसमें बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके पहले पुराने वीडियो देखिए। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि हम अपने घर के किचन का प्लानिंग कैसे करें। किचन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पूरे फ्लैट का या घर का, उसका सही से लेआउट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग भी उस किचन में काम करें उनको बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होना चाहिए काम करने में, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। और अगर वो अच्छे से कंफर्ट लेवल उनका अच्छा रहेगा तो वो अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना उसमें बना पाएंगे। हाँ, तो जैसा कि हमने पीछे के वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जो एरिया होना चाहिए किचन का, तो ये ऑलरेडी हम जानते हैं एरिया होना चाहिए आपका करीब करीब 49 स्क्वायर फीट, है ना। और जो विड्थ होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए 5 फीट। ये दो चीज़ें तो पहले से ही हम जानते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल ख्याल रखना है, इससे कम नहीं करना है। ये विड्थ 5 फीट रखने का मेन कारण क्या है कि आपका 2 फीट का काउंटर आएगा, और एक इंसान को थोड़ा बहुत मूव करने के लिए, आने जाने के लिए 3 फीट की जगह कंफर्टेबली होनी चाहिए, क्योंकि वो काम करने का एक जगह है। तो ये एकदम पूरी तरह से फॉलो करना है। तो इसके अलावे ये तो करना ही करना है, इसके अलावे जो लेआउट में और फीचर्स क्या होने चाहिए वो हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। मेन 10 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है सिंक। तो आपके किचन में जहाँ भी यूटेंसिल साफ करने का एरिया होगा वहाँ पे एक प्रॉपर सिंक लगाइए। बेटर है आप स्टेनलेस स्टील का सिंक लगाइए, और उस सिंक को ट्रैप के थ्रू वेस्ट पाइप से कनेक्ट करिए। डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, देखिए क्या फ़र्क होता है, मैं अभी समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका सिंक है और ये इसका सिंक का वेस्ट पाइप है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये है आपका फ्लोर, ये मान लीजिए किचन का फ्लोर है, और यहाँ पे ये ड्रेन, और ये मान लीजिए कि ये हमारा मेन ड्रेन पाइप है बाहर से, इसमें आके इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक ट्रैप लगाइए, यहाँ पे एक ट्रैप लगाइए। एक ट्रैप लगाने से क्या होगा, ट्रैप जो होता है एक तरह का वाटर सील होता है, जिसमें क्या होता है पानी भरा रहता है, और जो फाउल गैसेज हैं, गंदे गैसेज उधर से बाहर से वापस नहीं आते, तो बदबू आने की संभावना नहीं रहती है। तो ये इसको कहते हैं ट्रैप्ड कनेक्शन। और ये आपका सीवर पाइप है, तो इवन किचन का भी जो ड्रेन सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम, उसको आपको ट्रैप सिस्टम लगाना चाहिए। दूसरा देखिए, डस्टर कहाँ चला गया, डस्टर तो अभी यहीं था। चलिए देखिए, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। मैंने ज़्यादातर जो नॉर्मल घर बने होते हैं उसमें जो ड्रेनेज क्या करते हैं, जैसे ये मान लीजिए मेरा किचन है, तो लोग क्या करते हैं, ये हमारा वॉल है मान लीजिए, ये अगर हमारा वॉल है और ये मेरा फ्लोर है मान लीजिए, तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग वॉल को क्रॉस करके ऐसे करके ड्रेन में जोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा अगर आप करते हैं तो ये ठीक नहीं है। एक तो आपका उसमें बदबू, चूहे मकोड़े कुछ भी इधर से आने की संभावना रहती है, और दूसरा ये है कि इससे बदबू भी आ सकती है। तो ये सिस्टम अगर हम ना करके हम लोग आप क्या करें कि हम अपने फ्लोर में डिप्रेशन बनाएं, 1 फीट का डिप्रेशन नीचे बना दें, और हम इसमें ट्रैप बनाएं, ट्रैप के थ्रू पानी को बाहर निकालें, और हमारा जो बेसिन है वो इसमें आए, इसमें पहले पानी ऐसे इसमें ट्रैप हो जाए पानी, तो यहाँ पे पानी आएगा और फिर यहाँ से ऐसे होके ट्रैप होके जाएगा, तो एक वाटर सील रहेगा, तो वाटर सील के थ्रू ये जाए। दूसरा है, जब वर्टिकल इनलेट होता है तो वर्टिकल इनलेट से पानी बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है। अगर आप हॉरिजॉन्टल इनलेट रखेंगे ऐसे जाएगा, तो जितना पानी का लेवल है सिर्फ उसी से पानी निकलेगा, तो पानी अगर कहीं गिर गया फ्लोर के ऊपर तो उसको निकलने में घंटों लग जाएंगे। लेकिन अगर फ्लोर में रहेगा, आप इसको ऐसे समझिए,
अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो ये इसका वाटर है मिलेगा। इस इतने एरिया में पानी आराम से जैसे ही पानी आएगा अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर आपका वर्टिकल होल है, जैसे वॉल में आपने होल किया है, मान लीजिए फ्लोर है और फ्लोर पे पानी गिर गया, तो पानी तो इतना ही लेवल पे रहेगा, तो उसी लेवल से पानी गिरेगा, तो जो वाटर वे का एरिया है वो बहुत कम हो जाएगा, इतने के थ्रू पानी निकलेगा। तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर को ड्रेन आउट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है जब हम वॉल में होल करते हैं। इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप फ्लोर के अंदर ही ट्रैप लगाइए। ये जैसा पिक्चर मैंने लगाया है, इस पिक्चर को देख लीजिए, डिप्रेशन कैसे देना है और उसके बाद जो किस तरह से सिंक का जो पाइप है वो किस तरह से लगाना है। तो ये सिस्टम अगर आप करेंगे तो आपका किचन बेटर परफॉर्म करेगा, ड्रेनेज जल्दी हो जाएगा और किसी भी तरह की बदबू बदबू आने की संभावना नहीं रहेगी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनका ख्याल आपको कंस्ट्रक्शन टाइम पे ही रखना है। अगर ग्राउंड फ्लोर है तो इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फर्स्ट फ्लोर में है, अगर आपने एक बार स्लैब कास्ट कर दी तो फिर मुश्किल है। तो ट्रैप सिस्टम का प्लानिंग पहले ही करना है आपको कि कहाँ पे डिप्रेशन होना चाहिए, वो डिप्रेशन हम स्लैब में प्रोवाइड कर देंगे, तो फिर उसमें ट्रैप लगाना आसान रहेगा। उस ट्रैप को अगर बोल जो आप खरीदने जाएंगे तो उसको बोलते हैं नैनी ट्रैप। तो नैनी ट्रैप एक लगा देंगे जिसमें वाटर सील हो जाता है, गंद बदबू आने की संभावना नहीं रहेगी। तो यह दूसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, दिस इज रिलेटेड टू बाईलॉज, और बाईलॉज में है इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती करेंगे। कहता है कि एक विंडो होना चाहिए, कहाँ पे? आउटर वॉल में, शाफ्ट में नहीं। तो हमेशा किचन जो बनाइए आप उसको आउटर वॉल में बनाइए, शाफ्ट वाफ्ट में किचन बनाने का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं भी पर्सनली नहीं कहूँगा कि शाफ्ट में आप किचन का विंडो खोलिए, किचन का विंडो बाहर होना चाहिए और मिनिमम कितना होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए, यानी 3.28 फीट गुना 3.28 फीट, ये साइज मिनिमम विंडो की होनी चाहिए। या 3×4, 3 विड्थ रखिए, 4 फीट ऊंचाई रहेगी तो 12 स्क्वायर फीट हो जाएगा, तो दैट विल फॉलो। लेकिन हमेशा याद रखिए कि एक विंडो देना है, बाहरी वॉल में देना है जो बाहर खुलता हो, जहाँ से लाइट भी आएगा और वेंटिलेशन भी प्रॉपर हो जाएगा। उसके बाद जो किचन का काउंटर है, ये मिनिमम 2 फीट का होना चाहिए। मैंने कई जगह देखा है 2 फीट से कम काउंटर, 2 फीट से कम काउंटर देंगे तो काम करना मुश्किल हो जाएगा, भले 1-2 चीज ज़्यादा दे दीजिए, 2 फीट से कम मत दीजिए। उसके बाद देखिए, मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर जैसे अभी देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं वो छोटे घर की बात कर रहे हैं, क्योंकि छोटे घर जिनके जिनको छोटा घर बनाना है, कम बजट का घर है, वही ये वीडियो देख के सब दिमाग लगाएंगे। बड़े बजट वाले लोग तो प्रोफेशनल हायर करेंगे, इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि छोटा घर है। तो देखिए, एक सबसे छोटा साइज का किचन कितना होगा? 5 फीट बाई 10 फीट का होगा। तो ये मान लीजिए मेरा 5 फीट है और ये 10 फीट है ना? तो एक नॉर्मल अरेंजमेंट हम क्या करते हैं, इसमें एल शेप का, ऐसा करके एल शेप का किचन बनाते हैं, है ना? जिसमें ये चूँकि ज़्यादा ही चौड़ा बना दिया, ये एक्चुअली इतना ही होना चाहिए। अब देखिए, ये जो काउंटर है आपका 2 फीट का है ना? और ये जगह जो है आपकी 3 फीट की है। लेकिन इस सिस्टम से अच्छा और बेटर सिस्टम मैं मानता हूँ कि अगर हम ये 5 फीट की जगह, अगर हमने ये 5 फीट की जगह हम 7 फीट विड्थ दे पाए, तो हम क्या करें, ये दोनों तरफ काउंटर बना ले, इधर भी काउंटर इधर भी काउंटर। अगर डबल काउंटर किचन बनाएंगे तो उसमें काम करना काफ़ी आसान होता है। अब अगर आपने ये 7 फीट कर दिया मान लीजिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 10 फीट रखें, है ना? क्योंकि हमें देना है 50 मीटर स्क्वायर, सॉरी 50 फीट स्क्वायर मिनिमम, 49 फीट स्क्वायर, तो इसको हम 8 फीट रख सकते हैं। तो 8×7 का अगर हम बनाएंगे डबल काउंटर वाला किचन, वो एक 10×5 से ज़्यादा काम ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, काम करने वाले को ज़्यादा आसानी होगी। और 2 काउंटर होने से क्या होता है कि हम एक क्लीनिंग एरिया और एक प्रिपरेशन
प्रिपरेशन एरिया, कुकिंग एरिया अलग अलग कर सकते हैं, जिससे जो है मेश क्रिएट नहीं होता और काफ़ी अच्छा फंक्शन होता है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है कि जब भी प्लान करें 7 फीट चौड़ा किचन बनाएं और इसका हमेशा ध्यान रखें, ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और आप जब बना देंगे किचन तो जो काम करेगा वो हमेशा आपको दुआएं देता रहेगा, तो हमेशा याद रखिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ठीक है, काउंटर भी हो गया, डबल काउंटर किचन हो गया। उसके बाद है एक एग्जॉस्ट फैन का प्रोविज़न ज़रूर होना चाहिए किचन के अंदर, क्योंकि किचन में कभी कभी ज़्यादा धुआं होता है, तो उसको हम एग्जॉस्ट फैन के थ्रू निकाल सकते हैं, फोर्स्ड वेंटिलेशन कर सकते हैं। लेकिन आजकल ज़्यादातर घरों में चिमनी तो देते ही देते हैं, चिमनी भी एक तरह का एग्जॉस्ट फैन ही है, लेकिन चिमनी के अलावा भी अगर आप चिमनी दे भी रहे हैं तो भी एग्जॉस्ट फैन का प्रोविज़न होना चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपके किचन में एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, इवन दैट कि आपके किचन में चिमनी लगा है। तो क्योंकि चिमनी बहुत ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करने में वो जाम हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, किसी टाइम अगर चिमनी फेल किया, इन दैट केस आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। तो इसलिए एग्जॉस्ट फैन ज़रूर लगाएं। चिमनी जो है ये ऑप्शनल है, लेकिन कब मैंडेटरी हो जाता है चिमनी? वैसे तो जब जब आपका किचन का जो है, किचन जो है आउटर वॉल से लगा हुआ ना हो और आउटर वॉल में कोई खिड़की ना हो। अगर आपने शाफ्ट वाफ्ट में किचन का वेंटिलेशन दिया है, और कई जगह तो ऐसा भी है कि बिना वेंटिलेशन के ही बना देते हैं चिमनी के भरोसे, तो ऐसा मत करिए। अगर कोई टेम्परेरी काम है तो तब तो कर सकते हैं चिमनी के भरोसे, लेकिन अगर आप परमानेंट घर रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि प्रॉपर आपका जो है आउटर वॉल में ही किचन हो और उसमें खिड़की हो। चिमनी जो है सिर्फ एक लग्जरी आइटम हो वही बेटर है, आप उसको नेसेसिटी मत बनाइए, क्योंकि एकदम नेसेसरी हो जाएगा चिमनी के बिना, आप उसमें खाना नहीं बना सकते, तो ऐसा किचन तो मैं पसंद नहीं करता। उसके बाद फ्रिज का स्पेस ज़रूर प्लान करिए। दो तरीके से फ्रिज का स्पेस प्लान कर सकते हैं। अगर आपका किचन एकदम छोटा है, जैसे अभी एकदम इतना छोटा है, तो हो सकता है इसमें फ्रिज देना पॉसिबल ना हो, तो आप फ्रिज का प्रोविज़न आगे ड्राइंग रूम में या डाइनिंग रूम में देख लीजिए कि कोई ऐसा स्पेस है जहाँ फ्रिज दे सकते हैं। अगर वो स्पेस एकोमोडेट हो जा रहा है तो फिर किचन में ज़रूरत नहीं है, किचन के डोर के आसपास अगर फ्रिज रखें तो वो बेटर रहता है। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई सूटेबल जगह नहीं मिल रहा, तो जैसे मान लीजिए कि मैं मान के चलता हूँ थोड़ी देर के लिए, दोनों डिज़ाइन में समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपने डबल काउंटर किचन डिज़ाइन किया है, तो आप एक तरफ देखिए जहाँ पे आपका चूल्हा है, मान लीजिए इस काउंटर पे आपने चूल्हा रखा है, ठीक है, तो इधर आप एक तरफ प्रिपरेशन वर्क रख सकते हैं, एक तरफ आप ये रख सकते हैं ओवन वगैरह का जगह दे सकते हैं, दूसरे साइड में आप एक तरफ तो क्लीनिंग बना लीजिए, सिंक बना दीजिए, और ये स्लैब को 2 फीट काट दीजिए एक तरफ, और यहाँ पर आप फ्रिज एकोमोडेट कर सकते हैं, बाकी जो बच रहा है इसको स्टोरेज में इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और काम करने के लिए। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन फ्रिज मेरे हिसाब से छोटा किचन है तो उसको बाहर ही एकोमोडेट करिए, अपने ड्राइंग रूम में कोई ऐसा कोना वोना निकाल लीजिए जहाँ पे फ्रिज रख सकते हैं, लेकिन ये प्लान पहले ही कर लीजिए, बनने के बाद नहीं, जब आपका घर नक्शे के स्टेज में हो तभी प्लान करिए कि फ्रिज रहेगा कहाँ, फ्रिज का जगह कहाँ है, क्योंकि ये दिमाग में रहेगा तो आप जगह ज़रूर निकाल लेंगे, लेकिन अगर ये पहले दिमाग में नहीं रहेगा तो बाद में फ्रिज आप कहीं पे रखोगे बड़ा अजीब सा हो जाएगा, वो अनकम्फर्टेबिलिटी देता रहेगा हमेशा। तो फ्रिज एक बहुत बड़ा डिवाइस होता है, तो उसको रखने का जगह प्रॉपर प्लान होना चाहिए, तो फ्रिज का स्पेस भी प्लान कर लीजिए कि कहाँ रखना है। और माइक्रोवेव ओटीजी की का भी स्पेस, ओटीजी जो है ये माइक्रोवेव ओवन हो गया, ये नॉर्मल ओवन हो गया, अगर ये दोनों ओवन आजकल होते हैं किचन में तो उनका भी जगह ज़रूर प्लान करिए कि इनको कहाँ रखना है। इनको आप एक के ऊपर एक रख सकते हैं, अलमारी सा बना सकते हैं, ऐसा नीचे रख दिया माइक्रोवेव, इसके ऊपर वाले रैक पे आप ओटीजी रख सकते हैं, उसके ऊपर आप स्टोरेज रख सकते हैं। ये सब इंटीरियर डिटेलिंग है, इसकी बात एक्चुअली मैं यहाँ करना नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया ज़रूर दे रहा हूँ मैं। मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊँगा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है,
उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं किचन में और कहीं भी, देयर आर सेवरल थिंग्स अवेलेबल, लेकिन मैं उतना बताऊंगा जो मिनिमम ध्यान रखिए, उससे कम में काम नहीं चलने वाला है। उससे कम अगर आप करेंगे तो आपका फंक्शनल नहीं होगा, अच्छे से काम नहीं करेगा। वही बात हो गई ना कि आप गाड़ी चला रहे हैं और एक टायर पंचर हो तो कैसे चलेगा गाड़ी, चल तो जाएगा लेकिन ना स्पीड में चलेगा ना ये बहुत दिक्कत होगी। तो वही चीज़ है कि इतने सारे टायर्स हैं, सारे टायर में हवा प्रॉपर होनी चाहिए और फ्लोर जो है 1 इंच डाउन रखना है। जैसा कि बाथरूम में मैंने आपको बताया था कि फ्लोर को नॉर्मल फ्लोर से डाउन रखना है, सेम है किचन में। ये मान लीजिए आपका घर का फ्लोर लेवल है और ये आपका किचन का फ्लोर लेवल है, तो किचन का फ्लोर लेवल डाउन रहेगा और जहाँ सिंक लगा रहे हैं उसका भी फ्लोर लेवल और डाउन रहेगा। तो अगर ऐसा फ्लोर लेवल आप अगर प्लान करेंगे तो ये अच्छा रहेगा, किचन में कोई पानी वानी स्पिलेज हो गया तो ये बाहर नहीं आएगा घर के, ये इधर जाके इधर से बाहर निकल जाएगा। इनमें से कोई भी बात, किसी भी चीज़ को अगर आपने इमोशनली आके फॉलो नहीं किया तो लाइफ लॉन्ग आपको प्रॉब्लम होगा। और कई बार तो आप प्रॉब्लम झेलते रहते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि इनका सॉल्यूशन भी है। आपको लगता है ये चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, चीज़ें ऐसे ही नहीं चलती हैं, कई बार उनका सॉल्यूशन होता है। आपने ये वीडियो देखा है, अब आपको पता चल गया है कि आपको किचन कैसे प्लान करना है। किचन के इंटीरियर्स में काफ़ी चीज़ किया जा सकता है, उसमें नीचे जो हमारा काउंटर है उसके नीचे मॉड्यूलर सारे स्टोरेज फिक्स होते हैं, फिर उसके ऊपर फिक्स होते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि उन सब चीज़ों को आप एक्सप्लोर करिए और इंस्टॉल करना है, आपके पास जितना बजट है उस हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं। बट प्लानिंग में हमेशा ध्यान रखिए इन 10 पॉइंट्स का। अगर इन 10 पॉइंट को आपने प्लानिंग में ध्यान रखा तो आपका किचन हमेशा बढ़िया होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और काम आने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक दे दीजिए, वीडियो पे गलती से पहुंच गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।